और बच्चियों की तरबियत करो कि गरीब शौहर के साथ अमीर की बेटियां भी निभ सकें, अपनी मालदारी के माहौल में भी अपनी बेटियों को ये तालीम दो कि बेटी नरम गद्दे पे सोते सोते अगर तेरे घर में नरम गद्दे हैं तो 6 दिन नरम गद्दों पर सो, 1 दिन सैयदा फातिमा की सुन्नत समझकर टाट के बिस्तर पर सो, 6 दिन खा तो 1 दिन रोजा रख ताकि तुझे फातिमतु जहरा के फाके याद आ जाए। जब तक बेटियों के अंदर सब्र हम पैदा नहीं करेंगे हमारी बेटियां कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी माएं और बहनें मौजूद हैं और जब बच्चियां जुमा करने के लिए आए तो उनकी गलत तरबियत करने की बजाय उनको सब्र की वसीयत की जाए, इसलिए कि बेटी शादी के बाद शौहर के घर जितनी अच्छी लगती है वो माँ के घर उतनी अच्छी नहीं लगती। अपनी बेटियों को हम शौहर की इताअत सिखाएं, शौहर की फरमा बरदारी सिखाएं। अगर शौहर जुल्म करता है तो बेटी को तालीम दे के बेटी सब्र करो।